तो देखिए सब्जी बनकर रेडी है। इस सब्जी को देखकर कोई नहीं कह सकता है इसे हमने बहुत कम समय में बनाई है। बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। इसे बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुरंत ही आप इस सब्जी को बना सकते हैं और टेस्ट इसका 100% आएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। एक बार इस सब्जी को इसी तरह से बनाकर देखिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और बहुत कम समय लगेगा, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। ड्रम स्टिक करी बनाने के लिए हमें क्या करना है, कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालना है और उसके अंदर हम 1/2 कप इतनी मूंगफली ऐड करेंगे। तो मूंगफली को हमें हल्का कलर आने तक भूनना है, पर अगर हमारे पास समय नहीं है ना, तो हम इसमें भुनी हुई मूंगफली का जो पाउडर रहता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर किस तरह से ऐड करना है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे भून लिया है, बस इस पर हल्का सा कलर आ जाना चाहिए, इतना भूनना है। और साथ ही इसमें क्या कर रही हूँ मैं, जो ड्राई कोकोनट रहता है ना कसा हुआ, वो इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। तो हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं मूंगफली के पाउडर के साथ में, जिससे क्या हो जाता है जो मसाला है ना बहुत कम समय में बन जाता है। और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं धनिया। तो धनिया डालने के बाद एक बार इसे चला लेंगे और इसे हमें निकाल कर मिक्सी में बारीक पीस लेना है। पीसते समय हमें पानी नहीं ऐड करना है, इससे क्या होता है जब धनिया हम ऐड करते हैं ना तो स्वाद तो इसका बहुत बढ़िया हो जाता है और उसी के साथ जो सब्जी का कलर है ना वो बहुत बढ़िया आता है। और साथ ही हम क्या करेंगे, जो ड्रमस्टिक है ना उसे भी हम फ्राई करेंगे। तो 1 चम्मच तेल डालकर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आप अगर ड्रमस्टिक बॉईल करते हो ना, तो बॉईल करने से पहले इस तरह से एक बार उसे तेल में चला लीजिए और बाद में इसे बॉईल कीजिए। इससे क्या होता है जो सब्जी का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, बिल्कुल 1 चुटकी भर हल्दी पाउडर डाला है मैंने, और इसे मैं इस तरह से चला रही हूँ। स्टिक को मैंने छोटी उंगली कितना कट कर लिया है और जो ऊपर की इसकी परत रहती है ना वो हमें निकाल लेना है। उससे क्या होता है सब्जी में थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है, तो उसे हमें पतली लेयर को निकालना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैंने इसमें डाला है नमक, तो 1/4 चम्मच इसमें नमक डाला है और इसे इस तरह से चला रही हूँ। और साथ ही मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 1/2 ग्लास इतना पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के हम क्या करेंगे, इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल होने रख देंगे, जिससे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। इसका पानी सूख जाना चाहिए, इस तरह से हमें इसे बॉईल करना है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। तो इसे लीड लगाकर हम पका लेंगे। इससे क्या होता है सब्जी हाफ कुक हो जाती है, और जब आप इसे मसाले में ऐड करते हैं ना उस समय आपको हाफ कुक करना है, जिससे स्वाद बसाने में भी इस सब्जी का बहुत अच्छा उतरता है। तो देखिए सब्जी कुक हो चुकी है, इसका पानी भी सूख चुका है, पर जो ड्रम स्टिक है ना वो अंदर से बहुत ही रसीली है, तो इसे हम अभी निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल, और तेल जब गर्म हो जाए ना तब इसमें हमें ऐड करना है तेज़पत्ता। तो 2 तेज़पत्ते मैंने ऐड किए हैं, और साथ ही इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ राई। और जब राई और जीरा फूट जाए ना उस समय हमें क्या करना है, एक बड़ा कटा हुआ प्याज इसमें ऐड करना है। प्याज को हमें बारीक कट कर लेना है, जिससे मसाले में जो ग्रेवी है ना वो अच्छी बने। तो देखिए इस तरह से मैं प्याज को भून रही हूँ। प्याज को हमें किस तरह से भूनना है, हल्का इसका ब्राउन कलर आ जाना चाहिए, इस तरह से हमें इसे भूनना है। तो देखिए इसे मैं इस तरह भून रही हूँ। प्याज को भूनने में 1 से 2 मिनट लग जाएंगे, तो हमें इसे अच्छे कलर आने तक भूनना है। और साथ ही हमने जो मूंगफली और सूखे नारियल को भून कर रखा था उसे मैंने पीस लिया है, पर अगर आप मूंगफली और सूखा नारियल नहीं ले रहे हो तो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर आपको 2 बड़े चम्मच लेना है, और 2 बड़े चम्मच आपको मूंगफली का जो पिसा हुआ पाउडर रहता है ना भून कर पिसा हुआ वही लेना है, उसे ग्राइंड कर लेना है इस सब्जी में ऐड करने के लिए। तो देखिए इस तरह से पैच पर कलर आ चुका है, इस तरह से कलर आ जाना चाहिए। और जब इस तरह से कलर आ जाता है ना तब हमें 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करने के बाद हमें गैस की फ्लेम मीडियम करना है, और मीडियम फ्लेम पर हमें अदरक लहसुन को पैच के साथ में भूनना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे भून लिया है, और साथ ही क्या कर रही हूँ मैं, एक बड़ा कटा हुआ टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर ऐड करते समय हमें बारीक कट करके इसमें ऐड करना है। और साथ ही हमें टमाटर को भी इसके साथ में पकाना है। तो देखिए इस तरह से इसे चलाना है, बस 1/2 मिनट के लिए हमें इसमें चलाना है, जिससे जो टमाटर का कच्चापन है ना वो निकल जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, गल जाना चाहिए थोड़ा सा टमाटर, जिससे जो ग्रेवी है ना बहुत अच्छी बनेगी।
और जब टमाटर गल जाए ना उसके बाद इसमें हमें सूखे मसाले ऐड करना है। तो सूखे मसाले में मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये कलर वाला लाल मिर्च पाउडर है, और साथ ही मैं तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ जो हम रेगुलर सब्जी के लिए यूज़ करते हैं वही। आधा चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ और उसी के साथ एक चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर। तो इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और भूनते समय हमें क्या करना है, इसे इस तरह से चम्मच से दबाना है, जिससे क्या होता है ये बहुत अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ जाती है और जो सब्जी का मसाला है ना वो बहुत बढ़िया बनता है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे चला रही हूँ और जब मसालों में से तेल निकलना स्टार्ट हुए ना तब हमें इसमें मसाला ऐड करना है। मूंगफली, सूखा नारियल और धनिया के पत्ते हमने जो पीस कर रखे हैं ना वो इसके अंदर ऐड करना है। इससे क्या होगा, जो मसाले का टेक्सचर है ना वो बहुत बढ़िया आएगा, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आ जाएगा सब्जी का। तो देखिए इस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और साथ ही हमें क्या करना है, इसमें पानी ऐड करना है। तो एक आधा ग्लास के करीब हमें इसमें पानी ऐड करना है और पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो मसाला हमने ऐड किया है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है मसाले का और इससे क्या होता है इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। इस समय मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है और साथ ही इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। स्वादानुसार नमक ऐड करना है हमें, एक चम्मच के करीब नमक ऐड किया है मैंने इसमें और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, सभी मसालों को एक साथ में अच्छे से पकाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लीड रखना है इस पर और लीड रखकर एक 2 से 3 मिनट के लिए सब्जी को पका लेंगे, जिससे क्या होगा इस पर तेल निकल कर आ जाएगा। और जब तेल निकल कर आए ना तब इसमें हमें ड्रमस्टिक और आधा ग्लास को पानी को डाल लेना है और साथ ही इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला आधा चम्मच। ड्रमस्टिक डालते समय शूट नहीं हो पाया है तो ड्रमस्टिक के बाद मैंने आधा ग्लास पानी ऐड किया इसमें और पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय ड्रमस्टिक आधी कुक हुई है तो आधी हम मसाले के अंदर कुक करेंगे, जिससे मसाले में इस सब्जी का बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा, सब्जी खाने में बहुत बढ़िया लगेंगी और साथ ही इसकी जो ग्रेवी है ना उसका टेस्ट तो और भी अच्छा आएगा। ड्रमस्टिक को पकाने में पानी ज़्यादा लगता है तो इसके अंदर मैंने और आधा ग्लास पानी ऐड किया है और आधा ग्लास पानी डालकर मैंने इसे एक बार चला लिया था। तो देखिए इस तरह से ग्रेवी वाली ड्रमस्टिक हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, पर मैं इस समय सूखी बना रही हूँ तो इसे मैं और पकाऊंगी। ग्रेवी वाली मसाले वाली सब्जियाँ सभी को नहीं पसंद आती है क्योंकि ये खाने के बाद जलन करती है, तो आप ये सब्जी बना सकते हैं, इसमें हमने ज़्यादा मसाले कोई ऐड नहीं किए हैं और खाने के बाद ये जलन भी नहीं करेंगी। आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं और सभी खा सकते हैं, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। मैं इस सब्जी को हमेशा बनाती हूँ, सभी को बहुत पसंद आती है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए सब्जी बनकर हमारी रेडी है, इस तरह से सब्जी बनी है। इस सब्जी को आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो, किसी के भी साथ ये सब्जी बहुत बढ़िया लगती है। सिंपल सिंपल तरीके से मैंने बहुत सारी सब्जियां बनाई हैं तो आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हो। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा और जो रेड बटन दिख रहा है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही एक बेल आइकन आ जाएगा उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको भी नोटिफिकेशन मिलेंगी सबसे पहले। इसी तरह से हम मिलेंगे और भी नई नई और आसान रेसिपीज के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।